Hello, greetings to all of you. Welcome to Let's Crack Defense Examinations. शाम के 6:30 बज चुके हैं. हम लोग एक बार फिर से मौजूद हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ. तो बहुत ही बहुत स्वागत है सभी का लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशंस, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशंस इन इंडिया. सभी का बहुत बहुत स्वागत है. इंदु मलिक, काजल सिंह, सभी लोग फटाफट भाई क्लास के लिए आ जाइए. बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है. जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई आज की. सब लोग फटाफट आ जाइए बिना किसी देरी के ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सकें. तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ये है हमारा चैनल लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशंस. ये है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशंस इन इंडिया. ठीक है, चलिए भाई. तो अब बात करते हैं आगे. हमारी जो सीरीज चल रही है मंडे टू फ्राइडे, आपको मालूम है, एक्सप्रेस करंट अफेयर्स, 365 डेज करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग हर दिन दो दिन का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं. आज हम लोगों को पढ़ना है 11 और 12 जनवरी 2020 का करंट अफेयर्स. बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स है. अनिकेत गायकवाड़, लेट्स क्रैक इट भाई. सब लोग आ जाइए फटाफट, शेयर कर दीजिए. बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं आज. बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है. बहुत ही अच्छे और शानदार, बिल्कुल आपके लिए यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर्स शुरू हो चुका है. जैसा कि आप जानते हैं, बिल्कुल आपके सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम में जिस तरह का करंट अफेयर्स आता है वो आपको यहां पर मिलेगा. ठीक है बच्चों. तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए दो सीरीज चला रहा हूं. एक तो मैं आपके लिए सीरीज चला रहा हूं जिसका नाम है GS 1500. तो GS 1500 सीरीज आपके लिए चला रहा हूं. एक दूसरी सीरीज में जो आपके लिए चला रहा हूं वो है एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स. सो दो सीरीज आपके लिए चल रही है बेटा, GS 1500 सीरीज और एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स सीरीज. ये सीरीज जो है दोपहर को 12 बजे चलती है और ये सीरीज जो है शाम को 6:30 बजे आपकी चलती है. ये दोनों सीरीज बेटा आपकी मंडे टू फ्राइडे चल रही हैं. तो अब आप समझ लीजिए कि हम आपसे डेली मंडे टू फ्राइडे मिलते हैं. बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं. याद रखिएगा, 45 मिनट आपके यहाँ पर लिए जाते हैं, 30 मिनट ऑलमोस्ट आपके हफ्ते में यहाँ लिए जाते हैं. सो आप देख सकते हैं डेली के 1.25 घंटे हम आपके लेते हैं. इससे एक चीज़ साबित होती है कि वीक में आपको बहुत ज़्यादा नहीं, वीक में ऑलमोस्ट 12 घंटे देने हैं. सो 12 घंटे इन अ वीक अगर आप देंगे तो आपकी जीएस की तैयारी बहुत शानदार होने वाली है. सो दोनों सीरीज में आप लोग भारी से भारी मात्रा में जुड़िए और शानदार सीरीज का पालन करिए और बेहतरीन मार्क्स उठाइए भाई. सब लोग आ जाइए फटाफट, शेयर होता रहना चाहिए. बहुत बढ़िया, चलिए भाई. सो आप जानते हैं, लेट्स क्रैक सीडीएस एफकैट सीएपीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड सेशन प्लान मिलता है, आपको यहां पर अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलती है. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहां पर पढ़ाते हैं. याद रखिएगा, यहां पर आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन मिलेगा. ये क्यों मिलेगा? क्योंकि बेटा यहां पर याद रखिएगा कि अनअकैडमी पर हर चौथा सेशन जो होता है वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है. उसके अलावा सारी क्लासेस लाइव क्लासेस होती है अनअकैडमी पर. एक भी क्लास जो होती है वो आपकी जो है बेटा रिकॉर्डेड नहीं होती है, सारी लाइव क्लासेस होती हैं. उसके अलावा स्ट्रक्चर सेशन प्लान मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलती है. आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, कौन सा बैच स्टार्ट होने वाला है. तो बहुत सारी चीजें आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलती हैं. इसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है. सबसे पहले मैंडेटरी काम है भैया. व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया भर की चीजें रखते हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप क्यों नहीं है. भारत में अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप होनी ही चाहिए. याद रखिएगा, मैंडेटरी ऐप है हर एग्जाम के लिए. मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी 30 से ज्यादा कैटेगरीज में सेवाएं प्रोवाइड करता है. तो आप हमारे साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं. आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का. तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे अच्छे सब्सक्रिप्शन है वो 12 महीने के और 24 महीने के हैं. कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों है. कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन इसलिए सबसे अच्छा है बेटा क्योंकि आपको साल में बहुत सारे पेपर देने हैं, इसलिए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है. 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 8,000 रुपये में मिलता है, लेकिन मेरा कोड इस्तेमाल करोगे QALIVE तो तुम्हें 800 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 7200 रुपये में आप ले सकते हैं. आप देखेंगे कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन तो 8,640 में है, बहुत ही सस्ता है. मतलब यह है बेटा कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 7200 में, 1 महीने का 1440 में, दोनों को ऐड कर दें तो 8,640 है. तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 13 महीने की फीस देते हैं तो आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है. लेकिन अब प्रश्न यह आता है कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन क्यों बेस्ट है. बेटा साल में 2 बार तो सीडीएस का पेपर देना है, 2 बार एफकैट का पेपर देना है,
दो बार INET का पेपर देना है, आपको एक बार CAPF का पेपर देना है, आपको एक बार टेरिटोरियल आर्मी का पेपर देना है, प्लस आपको SSBs देनी है। ये सब करने में एक साल से ज्यादा का समय लग जाता है और एक बार का सब्सक्रिप्शन लेना है। आपको सभी एग्जाम्स की तैयारी यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि AFCAD का बैच आपको अलग से लेना पड़ेगा, INET का बैच अलग से लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन लेना है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा उस पूरी कैटेगरी में। जितने भी एजुकेटर्स हैं आप जिससे चाहें उससे पढ़ सकते हैं। मेरा कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा जिसका नाम है QA Live, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, हमारा बैच शुरू हो रहा है लक्ष्य 120-day मास्टर कोर्स फॉर CDS2 एंड CAPF। अब देख लो बेटा, CDS2 और CAPF के लिए हमारा मास्टर कोर्स शुरू हो रहा है 120 दिन का। आप इसमें हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, याद रखिएगा, मनोज जोशी बहुत बहुत स्वागत है। CAPF की खास तौर से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आखिरी मौका है, इसके बाद मौका आपको नहीं मिलने का, क्योंकि बेटा आप 4 महीने ही बचे हैं एग्जाम में। यहां पर आपको 300+ स्टडी आवर्स, 200 लाइव क्लासेस, PDF क्विजेस, डेडिकेटेड डाउट सेशन, कंप्लीट SSB प्रिपरेशन। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहां पर होंगे। हेल्पलाइन नंबर 8851900221, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी लाइन सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुली रहती हैं। ठीक है भाई, सब लोग आ चुके हैं, शुरू किया जाए। ठीक है, इस बैच को कौन पढ़ाएगा? रणधीर सर बेटा यहां मैथ्स पढ़ाएंगे, डॉक्टर अमित सिसोदिया इंग्लिश, मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर, नीतू ढाका मैम साइंस, आपके मोहित कवात्रा सर यहां पर बेटा याद रखिएगा कि आपको रीजनिंग का पोर्शन पढ़ाएंगे और कंप्लीट SSB की प्रिपरेशन संजय कुमार शर्मा सर करवाने वाले हैं आपको यहां पर हमारे साथ। ठीक है बच्चों, तो आज के 20 क्वेश्चन हैं बेटा, बड़े शानदार क्वेश्चन हैं, बहुत शानदार, बिल्कुल UPSC लेवल के क्वेश्चंस हैं। देखते हैं आज कौन करता है, कितने मार्क्स लेकर के आते हैं। शुरू किया जाए आज के 20 क्वेश्चन। चलो भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिलन 2020 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। देखो बेटा, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज का नाम है मिलन 2020। आपको मालूम है इस क्वेश्चन को मैंने कल भी कराया था, लेकिन आज दूसरे तरीके से करा रहा हूं। याद रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोरोना वायरस के वजह से सस्पेंड कर दी गई है। अब प्रश्न ये है कि थीम ऑफ दिस एक्सरसाइज was synergy across the sea, it is hosted by India at Visakhapatnam, total 41 nations were invited for this drill. पूछा गया which of the following statement is our correct, कौन सा statement इसमें से correct है जल्दी बताइएगा। मिलन के बारे में याद रखिएगा, multilateral naval exercise, इसका theme था synergy across the sea, it is hosted by India at Visakhapatnam, total 41 nations are invited for this drill. लेकिन आपको मालूम है कि बेटा ये drill जो है cancel कर दी गई कोरोना के वजह से, और याद रखिएगा राइट आंसर बेटा सी होगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, सारे के सारे जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, रिसेंटली आ स्ट्रैटेजिक टनल, इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे CDF और CAPF में। रिसेंटली क्या करते हैं, द हिंदू से, टाइम्स ऑफ इंडिया से, कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं और सीधे लिख देते हैं, रिसेंटली आ स्ट्रैटेजिक टनल मेड अंडर रोहतांग पास वॉज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर, जल्दी बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ स्ट्रैटेजिक टनल मेड अंडर द रोहतांग पास नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी या मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 30 से ज्यादा मैंने बताई थी अमित, ठीक है बेटा सुन लो। सो रिसेंटली स्ट्रैटेजिक टनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल है बेटा, याद रखिएगा, दुनिया की सबसे हाईएस्ट टनल है जो कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। सो एट एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर्स ये टनल बनी हुई है जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक टनल। ये रोहतांग पास के अंदर है और इसको जो है किस लीडर के नाम पर रीचेंज किया गया है, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई। राइट आंसर है बेटा हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब की पुण्यतिथि जो 25 दिसंबर थी, उसके बाद ही जो है उसको चेंज किया गया, याद रखिएगा। और ये स्ट्रैटेजिक टनल याद रखिएगा दुनिया की सबसे हाईएस्ट टनल है जो कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है, और याद रखिएगा मनाली और लेह जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है उनको जोड़ती है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, रिसेंटली मैनी सिविलियंस वर किल्ड इन बुर्किना फासो ड्यू टू टेरर स्ट्राइक इन द मिलिट्री बेस एंड अ विलेज, वेयर इज बुर्किना फासो। बुर्किना फासो आपके बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुर्किना फासो में याद रखिएगा आतंकवाद की बहुत सारी घटनाएं होती जा रही हैं
और इसके वजह से वहां मिलिट्री बेस और विलेज पर भी हमला किया गया जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। अब प्रश्न यह है कि बुर्किना फासो है कहां? यह देश नॉर्थ अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, वेस्ट एशिया में या वेस्ट अफ्रीका में? बुर्किना फासो के बारे में आप जानते होंगे, दुनिया के सबसे गरीब देशों में से शामिल है, याद रखिएगा, दुनिया के सबसे गरीब देशों में से शामिल है बुर्किना फासो। और ये जो है बेटा आपका वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, याद रखिएगा, इट इज अ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री बुर्किना फासो, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया अभिषेक शुक्ला यूपीएससी, बहुत बढ़िया, राइट आंसर डी है। गलत बेटा, याद रखिएगा, बुर्किना फासो इज अ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। ऐसे क्वेश्चन सुनते हो ना बेटा रिसेंटली, ये यूपीएससी वालों की खासियत है, क्वेश्चन में रिसेंटली डाल दिया और लोगों को मालूम ही नहीं भाई रिसेंटली पढ़ा ही नहीं। कारण ये सारे क्वेश्चंस जो हैं भारत के टॉप न्यूज़पेपर्स में उठाए जाते हैं, द हिंदू से, टाइम्स ऑफ इंडिया से, और सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन, शाबाश मीठू, शाबाश मीठू क्या है? आपने देखा होगा, बहुत ही फेमस, अभी ये नाम सुना होगा, शाबाश मीठू। वेटलैंड डिक्लेयर्ड इन असम, अ नेटिव स्पीशीज ऑफ पैरट फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद बायोग्राफी ऑफ फेमस इंडियन क्रिकेटर मिथाली राज, और फूड आइटम फ्रॉम बंगाली रिसेंटली गॉट द जीआई टैग। जल्दी बताइए शाबाश मीठू के नाम से क्या आया है भाई, फटाफट भाई, सब लोग लाइक बटन दबाते रहेंगे अगर क्लास बढ़िया लग रही है, क्वेश्चन शानदार लग रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा शाबाश मीठू के नाम से, जल्दी बताइएगा। हाँ जी, जल्दी बताइए फटाफट, शाबाश मीठू के नाम से क्या है, याद रखिएगा। हमारे देश में इंडियन क्रिकेट टीम की, महिला टीम की खिलाड़ी जिनका नाम है मिताली राज, बहुत ही फेमस है, उनकी ये बायोग्राफी अभी लॉन्च हुई है। इट इज अ बायोग्राफी ऑफ द फेमस इंडियन क्रिकेटर मिताली राज, के बारे में आपने सुना होगा, उनकी बायोग्राफी है जिसका नाम है बेटा शाबाश मीठू, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर सी है। Consider the following statement about the National Youth Festival 2020. देखो बेटा, National Youth Festival बहुत important है. Its theme was Fit Youth, Fit India. उसके बाद it was organized in Delhi. It was initiated from 1995 in the aegis of the Sports and Youth Affairs Ministry. जल्दी बताइए, National Youth Festival के बारे में आपने सुना होगा, जल्दी बताइएगा। National Youth Festival, इसका theme था Fit India, Fit Youth. Fit Youth, Fit India. It was organized in Delhi. It was initiated from the year 1995 in the aegis of the Sports and Youth Affairs Ministry. तो बेटा Fit Youth और Fit India बिल्कुल सही है, organized Delhi में नहीं बेटा, ये लखनऊ में हुआ था जनवरी में, तो ये गलत है। It was initiated from the year 1995, बिल्कुल सही है। Right answer जो होगा C होगा, 1 and 3 is the right answer. क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी है, क्योंकि बेटा ये लखनऊ में हुआ था, नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020, याद रखिएगा, लखनऊ में कराया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया आंसर है, शाबाश, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। आप साहिल शर्मा दोनों सीरीज का पालन करें, 1500 जीएस क्वेश्चंस भी और ये करंट अफेयर्स भी, दोनों आपके बहुत फायदेमंद होंगे। टाइफून फैन फोन हैज रिसेंटली हिट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, आपने सुना होगा फैन फोन के बारे में। टाइफून बहुत ही फेमस ये टाइफून है, और टाइफून आपको मालूम है कहां पे आते हैं, साइक्लोन्स के अलग अलग नाम होते हैं बेटा। जब साइक्लोन इंडियन ओशियन में आता है तो उसे साइक्लोन कहते हैं, कैरेबियन सी में आता है तो उसे हुरिकेन कहते हैं, साउथ चाइना सी और जापान के एरिया में आता है तो बेटा उसे टाइफून कहते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा होगा उसे विली विली कहते हैं, कैलिफोर्निया कोस्ट पे उसे टॉर्नेडो कहते हैं, मिसिसिपी वैली में उसे ट्विस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो आपने सुना होगा टाइफून फैन फोन के बारे में, जिसने रिसेंटली हिट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, बहुत तबाही मचाई थी। ईस्ट एशिया का कंट्री है छोटा सा जिसका नाम है फिलीपींस, वहां पर इसने काफी तबाही मचाई थी। सो टाइफून जिसका नाम था पैन फोन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज चौखंडी स्तूपा एंड ASI प्रोटेक्टेड साइट वेयर चाइनीज साइन बोर्ड्स वर इंस्टॉल्ड रिसेंटली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा बेटा, चौखंडी स्तूपा के बारे में पूछा गया है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा जो है एक साइट है, प्रोटेक्टेड साइट है, जहां पर चाइनीज जो है बोर्ड्स लगाए गए हैं, साइन बोर्ड्स। दरअसल चाइनीज बुद्धिज्म के बहुत सारा चाइनीज बुद्धिस्ट के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं चाइना में बुद्धिज्म के, और वो भारत आते हैं यात्रा पे, तो उनके सहूलियत के लिए जो है चाइनीज साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं। चौखंडी स्तूपा है कहां, जल्दी बताओ। चौखंडी स्तूपा के बारे में आपने सुना होगा बेटा, ये चौखंडी स्तूपा जो है वाराणसी से करीब 20 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है सारनाथ, वहां पर स्थित है। सो राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। सो चाइनीज साइन बोर्ड्स वहां पर लगाए गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई साहब, जल्दी बताइए। सबको मजा आ रहा है कि भाई क्वेश्चंस हैं दमदार, बढ़िया, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपके यूपीएससी में आते हैं कि नहीं आते हैं, जल्दी बताइए। सबको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, जल्दी मुझे बताते रहें सब लोग।
मजा आ रहा है, फटाफट शेयर होता रहना चाहिए, शेयर होते रहना चाहिए भाई साहब, शेयर आप लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए बनवा दिए हैं, आप कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रो डॉट आइडेंटिफायर्स और माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी। देखो बेटा, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और जो नई टेक्नोलॉजी खास तौर से हमारे देश में आती है उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये माइक्रो डॉट आइडेंटिफायर्स क्या है बेटा, देखो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। माइक्रो डॉट आइडेंटिफायर्स के बारे में आपने सुना होगा कि बेटा कार के ऊपर आजकल जो है भारत सरकार बहुत सारे जो है डॉट्स डाल देती है, ये आपको नहीं दिखाई देते हैं, माइक्रो डॉट्स आइडेंटिफायर्स होते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि हमारे देश में कार चोरी ना हो बेटा। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज ने ये निकाला है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है माइक्रो डॉट आइडेंटिफायर्स। माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी इज अबाउट स्प्रेइंग थाउजेंड ऑफ डॉट्स ऑन टू व्हीकल्स ऑन अदर एसेट्स टू फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर देम। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हैज मेड इट कंपल्सरी टू यूज ईस माइक्रो डॉट कैन ओनली बी सीन इन इफेक्ट ऑफ यूवी लाइट विच विल कंट्रोल द थेफ्ट ऑफ व्हीकल्स एंड सेव द स्पूरियस पार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये बेटा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। माइक्रो डॉट आइडेंटिफायर सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, ये हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी आई है। यस बिल्कुल, नितिन गडकरी साहब ने ये बहुत शानदार टेक्नोलॉजी जो है निकाली है। ये हमारे थाउजेंड्स ऑफ डॉट्स डाल दिए जाते हैं कारों के ऊपर ताकि वो चोरी होने से बचाई जा सके। और आपको मालूम है कि साइंस और टेक के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो आपने देखे होंगे बेटा, जो टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, नई टेक्नोलॉजी जो देश में आती है उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं गारंटी ले सकता हूं कि सीएपीएफ में जरूर पूछा जाएगा, इस बार याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द गोल्डीलॉक्स जोन। देखो बेटा ये देखो स्पेस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, साइंस एंड टेक से लेकर नेशनल से लेकर इंटरनेशनल से लेकर स्पेस से लेकर डिफेंस तक सब क्वेश्चन है। गोल्डीलॉक्स जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज अ जोन फाउंड इन द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज द फुल्ड ऑफ गोल्ड रिजर्व्स। इट इज अ हैबिटेबल जोन अराउंड द स्टार वेयर द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉर कोल्ड विच इंडिकेट्स द वॉटर एंड लाइफ। इट इज अ नेचुरल हैबिटेट डेवलप फॉर द गोल्डन लंगूर इन उत्तराखंड। इट इज अ न्यू सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर द VIPs। तो गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये गोल्डीलॉक्स जोन की बात अगर हम करते हैं सो बेटा ये स्टार्स के आसपास का ऐसा एरिया है जहां पर तापमान ना बहुत ज्यादा गर्म होता है ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जो बताता है कि यहां पर जो है वाटर और लाइफ जो है एग्जिस्ट कर सकती है। राइट आंसर बी है, स्पेस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, थम्स अप दिखा दो भाई। ये बेटा रिसेंटली अभी न्यूज में था गोल्डीलॉक्स जोन, ठीक है, बढ़िया शानदार। क्वेश्चनों में दम हो रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। बेटा आप लोग के लिए ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस बनाते रहेंगे, लेकिन आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि भारी से भारी मात्रा में आइए और जवाब दीजिए, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है बेटा। अब होता क्या है कि जब यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो पूरे तरीके से करेंगे, लग कर करेंगे, जोर शोर से करेंगे और सारे लोग करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गोको मॉडल, गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल विच इज अडॉप्टेड बाय इंडियन आर्मी। देखो इंडियन आर्मी ने बेटा ये नया मॉडल अपना अडॉप्ट किया है जिसका नाम है गोको मॉडल, जिसका नाम है गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल, इट इज अडॉप्टेड बाय इंडियन आर्मी। ये क्या है जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है ये क्या है। इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेखर कमेटी। इन दिस मॉडल द एसेट्स ओन बाय द गवर्नमेंट आर बीन ऑपरेटेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स। दिस मॉडल कैन हेल्प टू कर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द डिफेंस। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा। सो डिफेंस एग्जाम, डिफेंस हमारे जो है उसमें बहुत ही ज्यादा खर्चा है आपको मालूम है, और डिफेंस में खर्चा को कम करने के लिए जो है डिफेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए चलाया गया है। तो इन दिस मॉडल द एसेट्स ओन बाय द गवर्नमेंट आर बीन ऑपरेटेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स और जनरल डीबी शेखर कमेटी द्वारा किया गया है। बहुत अच्छा, राइट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, सारे के सारे करेक्ट हैं बेटा, याद रखिएगा। ये गोको मॉडल याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाबाश, बहुत बढ़िया, 10 क्वेश्चन हो गए, 10 बाकी हैं, ठीक है, ठीक है, मजा पूरा आ रहा है गुरुजी। बेटा क्वेश्चन भी तो दमदार हैं। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन और शानदार है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नाल
नाल बना बर्ड सेंचुरी विच इज रिसेंटली इन न्यूज. आपने सुना होगा, अगर आपने 10 जनवरी की खबर देखी होगी तो नाल बना बर्ड सेंचुरी के बारे में आपने सुना होगा. नाल बना बर्ड सेंचुरी क्या है जल्दी बताइए. नाल बना बर्ड सेंचुरी के बारे में सुना होगा, ये खबर में काफी ज्यादा था. इट इज अ पार्ट ऑफ द नाल बना आइलैंड विच इज द रामसर डिजिग्नेटेड वन लैंड. इट इज लोकेटेड उड़ीसा चिल्का लेक. दिस सेंचुरी इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है. बेटा आपने देखा होगा नाल बना बर्ड सेंचुरी बहुत ही फेमस हुई थी. इस बार कारण यह था क्योंकि नाल बना बर्ड सेंचुरी में बहुत भारी मात्रा में माइग्रेटरी बर्ड्स ठंड के मौसम में आ गई थी. इसलिए आई थी क्योंकि यहां पर सरकार ने जो इल्लीगल पोचिंग ऑफ प्रॉन्स होता है, प्रॉन्स को जो है वहां पर इल्लीगली लोग पकड़ते थे, सरकार ने इस बार रोक लगाई तो प्रॉन्स बहुत ज्यादा मात्रा में वहां आ गए थे, जिसके वजह से क्या हुआ, बहुत भारी मात्रा में बर्ड्स आ गई थी वहां पर नाल बना बर्ड सेंचुरी में. सो ये पार्ट ऑफ नाल बना आइलैंड है, वो रामसर डेजिग्नेटेड वेटलैंड है. बिल्कुल सही है, लोकेटेड उड़ीसा चिल्का लेक. बिल्कुल सही है, राइट आंसर वन एंड टू होगा क्योंकि वाइल्ड लाइफ यहां पर है नहीं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आएगा. सो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ए है बेटा, याद रखिएगा. नाल बना आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. नाल बना बर्ड सेंचुरी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. तो यहां पर क्या था कि आज तक के रिकॉर्ड, भाई अभी तक क्या होता था कि हमारे राजस्थान की जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी थी वो बहुत ज्यादा फेमस थी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ बर्ड्स जो हैं वो नाल बना बर्ड सेंचुरी में आई थी. कारण यह है कि बहुत भारी मात्रा में वहां पर प्रॉन्स आए थे और प्रॉन्स का जो शिकार था उस पर सरकार ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद भारी मात्रा में प्रॉन्स आ गए तो बर्ड्स को खाना मिल रहा था. इस वजह से नाल बना बर्ड सेंचुरी में रिकॉर्डेड मात्रा में बर्ड्स आई थी इस बार, जो कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी से भी ज्यादा थी. अराक न्यूक्लियर रिएक्टर विच इज करेंटली बींग रीडेवलप्ड इज इन विच कंट्री, जल्दी बताओ. आपने देखा होगा अराक न्यूक्लियर रिएक्टर, याद रखिएगा, यह बंद कर दिया गया था, ठीक है. सो अराक न्यूक्लियर रिएक्टर, इसे बंद कर दिया गया था. करेंटली बींग रीडेवलप्ड इन विच कंट्री, जल्दी बताओ. अराक न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ही फेमस है, ये ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है उस देश का, नॉर्थ कोरिया, टर्की, पाकिस्तान, ईरान. जल्दी बताइए, अराक न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ही फेमस, जिसे अभी दोबारा से रीडेवलप किया जा रहा है, याद रखिएगा. सो अराक न्यूक्लियर रिएक्टर जो है बेटा वो ईरान में वापस से रीडेवलप किया जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और याद रखिएगा, काफी फेमस न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि तेहरान के आउटस्कर्ट्स में बसा हुआ है, याद रखिएगा. चिल्लाई कलान इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आपने सुना होगा ये शब्द चिल्लाई कलान, ये क्या है बेटा जल्दी बताओ, ये चिल्लाई कलान क्या है जल्दी बताओ, देखते हैं कौन सही बताता है, जल्दी बताओ, सही बताओ, देखते हैं कौन बताता है बेटा. याद रखिएगा, चिल्लाई कलान एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अवलांश प्रोन एरिया इन कश्मीर है, टूरिज्म स्पॉट इन जम्मू कश्मीर, हार्शेड पीरियड ऑफ विंटर्स इन कश्मीर. याद रखिएगा, कश्मीर में क्या है बेटा, ये पूछा गया है, चिल्लाई कलान. चिल्लाई कलान के बारे में बता दूं कि कश्मीर में ठंड बहुत पड़ती है और 70 दिन का जो समय होता है कश्मीर में वो बहुत ठंड का क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा. सो चिल्लाई कलान बेसिकली क्या है, हार्शेड पीरियड ऑफ विंटर इन कश्मीर. दरअसल 3 पीरियड होते हैं, मैं आपको बता दूं. एक होता है बेटा चिल्लाई कलान, चिलाई कलान जो पीरियड होता है ये 40 दिन का होता है और ये शुरू होता है 21 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच, ठीक है बेटा. एक होता है चिलाई खुर्द, सुन लो बेटा, चिलाई खुर्द एक होता है, चिलाई खुर्द जो कि 1 फरवरी से जो है बेटा ये 19 फरवरी के बीच होता है, और तीसरा होता है चिलाई बच्चा, याद रखिएगा, ठीक है, चिलाई बच्चा, ठीक है बेटा. और ये जो है आपका 20 फरवरी से लेकर के 1-2 मार्च तक होता है, याद रखिए. 70 दिन की जो ठंड होती है कश्मीर में, जो कि शुरू होती है आपके कब से, 21 दिसंबर से. सो पहले आता है चिलाई कल, सबसे पहले आता है चिलाई कलन. चिलाई कलन जो होता है 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक होता है. फिर चिलाई खुर्द आता है जो कि 1 फरवरी से 19 फरवरी तक, जो कि 20 दिन का होता है. फिर 10 दिन का होता है चिलाई बच्चा. सो 40, 20 और 10, याद रखिएगा, 40, 20 और 10. बेटा क्वेश्चन टफ नहीं है मेरे बच्चे, क्वेश्चन टफ नहीं है, यूपीएससी के हैं, ठीक है बेटा, याद रखिएगा, ये यूपीएससी के क्वेश्चन है मेरे बच्चे, समझ रहे हो. पहले तो मैंने आपको चाहा थोड़ा दिन आसान क्वेश्चन करा देता हूं, लेकिन मुझे लगा नहीं यार, वही कराए जाएंगे जो बिल्कुल आपके लिए जरूरी होंगे. मजा आया कि नहीं आया. तो अब आपको लगा ना यूपीएससी इस तरह के अंडशंट क्वेश्चन पूछ लेता, आपने देखा होगा कई बार भाई साहब कुछ भी पूछ लेते हैं,
कुछ भी आ जाता है तो भैया यही क्वेश्चन आपको करना पड़ता है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 रिसेंटली, ये तो आता होगा, कल भी कराया था, चलो एक आसान क्वेश्चन दे देते हैं। रिसेंटली नाडा पुट अ बैन ऑन वुमेन एथलीट सरबजीत कौर फॉर डोपिंग, दिस एथलीट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आपने सुना होगा सरबजीत कौर के बारे में, नाडा में जो है एंटी डोपिंग एजेंसी जो है उसने इन्हें पकड़ा था और इनके ऊपर 4 साल का बैन भी लगाया है, 4 ईयर बैन लगाया है, आपको मालूम होना चाहिए। सो 4 ईयर बैन लगाया है बेटा नाडा ने, जिनका नाम है सरबजीत कौर, किस खेल से जुड़ी हुई हैं, हम सबको मालूम है बेटा वेट लिफ्टिंग से, बहुत बढ़िया। सो राइट आंसर इज बी, वेट लिफ्टिंग से 4 साल का बैन लगा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, रिसेंटली डीएनए एनालिसिस सेंटर इज इनॉग्रेटेड इन चंडीगढ़, इट हैज बीन फंडेड बाई, आपने सुना होगा बेटा हमारे देश में अभी डीएनए एनालिसिस सेंटर जो है खोला गया है, जो कि चंडीगढ़ में खोला गया है, इसे फंडेड बाई किया गया है नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से, एंटरप्राइजेस फंड से, निर्भया फंड से या प्रोविडेंट फंड से। सो डीएनए एनालिसिस सेंटर, आपको मालूम है बेटा ये जो अपराधी होते हैं उनके डीएनए को जो है कई बार जो है बेटा चेक करने के लिए डीएनए एनालिसिस सेंटर, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे देश में इसका इनॉग्रेशन हुआ है भी चंडीगढ़ में, जो कि राष्ट्रीय नेशनल डीएनए एनालिसिस सेंटर है, याद रखिएगा। इसको किससे बनाया गया है और इसको बनाया गया बेटा निर्भया फंड से, आपको मालूम होना चाहिए। निर्भया का बहुत ही फेमस केस हुआ था, निर्भया गैंग रेप के 16 दिसंबर 2012 में, उसके बाद 2013 में भारत सरकार ने निर्भया फंड बनाया था ताकि जो ऐसे हीनियस क्राइम्स होते हैं वुमेन्स के खिलाफ उससे बचा जा सके, उसके लिए डीएनए एनालिसिस सेंटर अभी चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया गया है, याद रखिएगा। राइट आंसर इज निर्भया फंड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऐप वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय द प्रेसिडेंट टू इंप्रूव एक्सेस टू द ब्लड बैंक्स, जल्दी बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि कौन सी ऐप रिसेंटली रिलीज बाय द प्रेसिडेंट टू इंप्रूव द एक्सेस टू द ब्लड बैंक्स, बेटा ब्लड बैंक्स के, जल्दी बताइएगा। Which app recently released by the president to improve the access to the blood banks? तो blood banks के access को improve करने के लिए कौन सी app राष्ट्रपति द्वारा खोली गई है? Red Cross app, RBC Cross app, M Blood या Lifeline? जल्दी बताइए। बेटा बस 20 क्वेश्चन है आज के, याद रखिएगा। सो कौन सी ऐप रिसेंटली भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्टार्ट की गई है? उसका नाम है रेड क्रॉस ऐप। आप देखो ना बेटा तुम्हारा कितना समय बच रहा है, जितना समय तुम हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने में लगाओगे दिन के आपके 3-4 घंटे खा जाएगा। मैं आपको आधे घंटे 25 से 30 मिनट में सारा काम करा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है, डेली के। क्वेश्चन नंबर 17, ये देखो बेटा, ये देखो, गैलापागोस नेशनल पार्क विच इज रिसेंटली इन न्यूज लोकेटेड इन विच कंट्री, जल्दी सुनिएगा। गैलापागोस नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, गैलापागोस नेशनल पार्क, यहां पर आपने बेटा, आपको मालूम है कि ऑयल स्पिल हो गया था। ऑयल स्पिल आप जानते हैं बहुत बड़ी घटना होती है बेटा, कि एक जो ऑयल टैंकर था उसके वजह से तेल पूरा जो है बेटा इस नेशनल पार्क में फैल गया था, जिसके वजह से बहुत सारे जो जानवर थे उनकी जान के ऊपर आ गई थी। गैलापागोस नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, चिली, होंडुरस, पापुआ न्यू गिनी या इक्वाडोर, याद रखिएगा, ये उस देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और बाकायदा ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। गैलापागोस नेशनल पार्क, याद रखिएगा, ये इक्वाडोर में है और ये किस लिए फेमस हुआ था बेटा? ऑयल स्पिल के लिए फेमस हो गया था। सो ऑयल स्पिल यहां पर हुआ था, बहुत ही खतरनाक, जिसके वजह से वहां पर रहने वाले जानवरों को काफी खतरा हो गया था। राइट आंसर इज इक्वाडोर, समझ रहे हैं बेटा। तो सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं रीसेंट, जो उस दिन की घटनाएं हैं उसी से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कनाल इस्तांबुल प्रोजेक्ट रिसेंटली इन न्यूज कनेक्ट द सी ऑफ मरमरा विद विच सी, जल्दी बताओ, जिसका नाम है बेटा कनाल इस्तांबुल। अब देखो नाम से ही मालूम चल रहा है, कनाल मतलब क्या है, कैनाल, और इस्तांबुल बेटा सिटी है कहां पर, टर्की में, और आपको मालूम है ये सी ऑफ मरमरा को किससे जोड़ेगा, रेड सी से, ब्लैक सी से, अरेबियन सी से या बोहानी सी से। इस्तांबुल आपको मालूम है कहां पर है, टर्की में है, और टर्की कौन से समुन्दर के किनारे पर बसा है, दुनिया जानती है बेटा, टर्की सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द ब्लैक सी। सो ब्लैक सी के किनारे पर टर्की बसा हुआ है। सो कैनाल इस्तांबुल जो है प्रोजेक्ट रिसेंटली न्यूज, ये बेटा याद रखिएगा, सी ऑफ मरमरा को जो है ब्लैक सी से जोड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, कनाल इस्तांबुल याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट बाय यूएनडीपी विच रीजन ऑफ अफ्रीका वॉज रिसेंटली डीम्ड एज द मोस्ट अनइक्वल ऑन द कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ इक्वल इन टर्म्स ऑफ इनकम, जिसे आप कहते हैं कि अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र जो है
वहां पर गिनी कोफिशियंट सबसे खराब पाया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि इनकम इनइक्वालिटी जो है गिनी कोफिशियंट से नापी जाती है, और अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट बाय यूएनडीपी, विच रीजन ऑफ अफ्रीका वॉज रिसेंटली डीम्ड एज द मोस्ट अनइक्वल ऑन द कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ इनकम, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट या साउथ अफ्रीका, जल्दी बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो अफ्रीका का सदर्न पार्ट है, सदर्न अफ्रीका, वहां पर गिनी कोफिशिएंट सबसे खराब पाया गया है, मतलब जो इनकम इनइक्वालिटी है वो सबसे ज्यादा खराब है साउदर्न अफ्रीका में। सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, रिसेंटली अ डिजीज नेम्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विच इज क्लेमिंग द लाइफ्स इन बांग्लादेश इस कॉस्ट, भाई आपने 10 जनवरी की न्यूज़ में पढ़ा होगा बेटा, एक बीमारी है जिसका नाम है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ARI, जिसके वजह से बांग्लादेश में 5 साल के कम उम्र के बच्चों की मौत हुई बहुत ज़्यादा। तो याद रखिएगा ये किससे होती है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ईस्ट, जल्दी बताइएगा। सो बेसिकली जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं वो किससे होते हैं बेटा, हम सबको मालूम होना चाहिए। सो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कि बांग्लादेश में हुआ, और ये जो है बेटा राइट आंसर सी हो जाएगा, एक वायरल इन्फेक्शन था जिसके वजह से हुआ है। 20 क्वेश्चन हो गए सर। SSB के कोर्स प्लस पे कब से स्टार्ट है आकाश सिंह? 13 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, 13 अप्रैल से आकाश सिंह, ठीक है। हो गए 20 क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ भाई, सब लोग बताएं। बहुत बढ़िया, आई एम योर CDS 2019 क्वालिफाइड बैच स्टूडेंट अभिजीत श्रीवास्तव, बहुत 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 मुबारकबाद। आप सब लोग यार लाइक बटन तो दिखा दो, क्वेश्चनों में मजा आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। क्वेश्चंस थे तुम्हारे काम के, मजेदार, दमदार, अब ऐसे ही क्वेश्चन होंगे बेटा डेली। लेकिन बात ये है कि आपको जो है और भारी मात्रा में आना होगा, ठीक है बेटा, और डेली आना होगा मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि मैं अगर इतने मेहनत कर रहा हूं भैया, इतने भयंकर क्वेश्चंस आपके लिए बना रहा हूं कि बैठ के जो है हिंदू चाट रहा हूं आपके लिए, जो है बेटा पुराने न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, दो दो महीने पुराने, तो भैया फिर आपको भी लगना पड़ेगा बेटा, ठीक है। बिल्कुल सर, ठीक है बेटा। तो भाई अगर मैं आपके लिए 2 महीने पुराने न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं तो आपको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन अब आपके लिए होंगे कि मतलब ये बेटा आसान नहीं होगा करना, आसान नहीं होगा इसे करना, ठीक है। थैंक यू सो मच यशुराज सिंह, लेकिन आपको भी लगना पड़ेगा डेली यहाँ पर, ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक यू। तो 3-3 महीने पुराने न्यूज़पेपर पढ़ के आपके लिए सारी खबरें निकाली जा रही हैं, तो आप भी यहाँ पर थोड़ा सा हैवीली जो है शामिल होइए और भारी से भारी मात्रा में आइए, ताकि हम लोग भी इसमें आगे बढ़ सकें, ठीक है। चलो भाई सब लोग थम्सअप दिखा दीजिएगा, लाइक बटन दिखा दीजिएगा, अच्छा लगे तो बढ़िया है। अच्छा, एक और बात बता दूं कि ये करंट अफेयर्स सुन लो बेटा, तुम्हारे लिए कौन कौन से पेपर में काम आएंगे। CDS में काम आएगा ये, तुम्हारा CAPF में काम आएगा ये, तुम्हारा FCAT में काम आएगा ये, तुम्हारा बेटा NDA में काम आएगा ये, तुम्हारा CSE में काम आएगा, सिविल सर्विस एग्जाम देने जाओगे उसमें काम आएगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी स्टेट का पेपर दे रहे हो तुम, ठीक है, वहां तुम्हारे लिए काम आएगा बेटा, ये सब बहुत जगह तुम्हें फायदा देने वाला है ये चीज, ठीक है। सो तुम्हें बहुत सारी जगहों पर बेटा ये फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर UPSC सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हो इस बार, तो उसमें भी तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। ओके, अभिजीत श्रीवास्तव, उसके लिए मैंने आपको फोन नंबर दिया हुआ है 8851900221, यहां पर कॉल करो या व्हाट्सएप करो, तुम्हें सारी जानकारी दी जाएगी। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। सो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, फटाफट ज्वाइन कर लो बेटा, अगर वन टाइम में सिलेक्शन चाहिए बेटा, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच है। 300+ स्टडी आवर, 200+ लाइव क्लासेस, PDF क्विजेस, डेडिकेटेड डाउट सेशन, कंप्लीट SSB प्रिपरेशन, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहां पर हैं, ठीक है। लेना है प्लीज रिप्लाई मी, माधुरी द्विवेदी, बिल्कुल आपको सिलेक्शन लेना है, हम आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, बिल्कुल दिलवाएंगे बेटा, आप इस बैच में भी आ सकती हैं माधुरी द्विवेदी, बिल्कुल। आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया है बेटा, देखो सोचो मत, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, बहुत छोटी कीमत है, 1 साल या 2 साल का जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है 1 साल का बेटा, 7,200 रुपए में बेटा। अब ये फीस सिर्फ इतनी है जो कि हमारे कहते हैं ना हमारे जीवन को चलाने के लिए जरूरी है, आपके लिए कोई भी मतलब बहुत ज्यादा फीस नहीं ली जा रही है, सिर्फ इतनी ली जा रही है जिससे बेटा हमारे खर्चे निकल सकें। 7,200 में 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए है, बहुत सस्ता है, इतने सस्ते में बेटा ऑफलाइन में आपको भारत में कोई नहीं दे सकता है।
तो बस यही कहूँगा कि आपको अगर पैसे लगाने हैं तो आप इतने लगा सकते हैं, 7,200 रुपये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। आजकल परिवार के साथ डिनर करने लोग चले जाएं, आजकल तो नहीं जा पा रहे हैं लेकिन जाते थे तो आपको मालूम होगा, ठीक है। तो उसके लिए बेटा यहाँ पे फ़ोन कर लो ना बेटा, अभिजीत श्रीवास्तव हो जाएगा तुम्हारा। जीएस का कल का टॉपिक रहेगा तुम्हारा 1500 का बेटा, जो है पंचायत और अमेंडमेंट, कल का टॉपिक पंचायत अमेंडमेंट है और उसके बाद हम जाएंगे जो है कल शाम को इस पे करेंगे। सो दोनों सीरीज में आइए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्लास आने के लिए। लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशंस, मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं 12 बजे 6:30 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।